तो गाइस जब आप अपने रेडमी के फ़ोन में MIUI अपडेट करते हो तब आपके सामने एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या है ये सुनिए। जैसे ही आप सेटिंग में जाते हो और MIUI अपडेट करने के लिए आप जाते हो अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है कि आपके फ़ोन में अपडेट आया है या फिर नहीं आया है। यहाँ पर लिखा हुआ है 14 MIUI वर्जन। जैसे कि मेरा MIUI वर्जन 14 आया था, जब मैं इसको अपडेट कर रहा था मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ रहा था रिट्रीविंग इन्फो का, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ अपडेट करने के लिए, मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो वहाँ पे मेरे पास एक एरर आया रिट्रीविंग इन्फो का। तो मैंने उसको सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया मैंने, तो मेरा जो फ़ोन है वो अपडेट ईजिली हो गया और फास्ट हो गया। तो मैंने कौन सी ट्रिक और कौन सी सेटिंग्स अप्लाई करी थी वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको मेरा लिखा हुआ है चेक फॉर अपडेट, मतलब मैंने अपडेट कर लिया है इसलिए ये बता रहा है कि आपके फ़ोन में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट या फिर डाउनलोड, कुछ भी ऑप्शन हो तो यहाँ पर लिखा हो सकता है अपडेट या फिर डाउनलोडिंग का, ठीक है। तो सिंपली आपको करना है क्या, 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड ऑटोमेटिकली, डाउनलोड रिक्वायर अपडेट व्हेन कनेक्ट टू वाईफाई। सबसे पहले आपको इस सेटिंग को ऑफ करना है, ठीक है। मैंने ऑफ कर लिया, आप भी ऑफ कर लेना। सेकंड नंबर पे आपको ऑप्शन देखेगा डाउनलोड यूजिंग मोबाइल डाटा, इसको भी आपको ऑफ कर लेना, ठीक है। ऑफ कर लोगे नीचे आपको ये ऑप्शन देखना है, इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना, ठीक है। अब आपको आना है बैक। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको वापस से सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐप्स नाम से ऑप्शन मिलेगा या फिर एप्लीकेशन के नाम से कोई ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है। मेरे सामने यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन आया, तो सिंपली आपको ऐप्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इतना करोगे तो यहाँ पर आपके सामने देखो काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, बट आपको क्या करना है, मैनेज ऐप पर आपको क्लिक करना है। इतना आप करोगे देखो ऊपर लिखा हुआ है अपडेट, अनइंस्टॉल, फाइंड ऐप्स और परमिशन, कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है आपको। 3 डॉट पर क्लिक करना है, सो ऑल ऐप पर क्लिक करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके फ़ोन में जितने भी आपके डाउनलोड वाले ऐप हैं, इंस्टॉल वाले एप्लीकेशन है, सिस्टम एप्लीकेशन है, पूरे के पूरे एप्लीकेशन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है डाउनलोड। आप जैसे ही डाउनलोड सर्च करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, एक डाउनलोड्स का एक डाउनलोड्स का, ठीक है। सबसे पहले आपको पहले वाले डाउनलोड पर क्लिक करना है, क्लियर डेटा के ऊपर क्लिक करना है, क्लियर चेस करना है, ओके करना है। इसके बाद क्लियर ओल्ड डेटा पर क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। इतना करोगे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको जो दूसरे नंबर पे दिख रहा है डाउनलोड का ऑप्शन, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, क्लियर चेस करना है, ओके करना है। उसके बाद वापस से आपको क्लियर डेटा करना है और ओके करना है। इतना कर लोगे हमारी जो दूसरी ट्रिक थी वो भी आपकी हो चुकी है। अब गाइस लास्ट सेटिंग बची है उसको करने के लिए। यहाँ पर आपको सर्च करना होगा अपडेट। अपडेट आप सर्च करोगे, अपडेट सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो चार ऑप्शन आए, ठीक है। चार ऑप्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। इसके बाद बैक आना है। बैक आओगे सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन पर जाना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है, क्लियर चेस करना है, ओके करना है। दोबारा से उसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आ जाना है। इसके बाद आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्लियर डेटा करना है, क्लियर चेस करना है, ओके करना है, क्लियर डेटा करना है, ओके करना है। इतना करोगे आखिरी में अपडेटर वाला जो ऑप्शन देखेगा आपको इस पर क्लिक करना है और सेम वही प्रोसेस करना है, क्लियर डेटा, क्लियर चेस, उसके बाद क्लियर ऑल डेटा, ठीक है। इतना करोगे इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको एक और चीज़ करना होगा, उसको क्या करना है, आपको आपके फ़ोन में जितने भी आपके जो ऐप है ना, पहले आप उसको अपडेट कर लो। जैसे कि आपका व्हाट्सअप हो गया या एक्सेंडर हो गया, जैसे कि आपका व्हाट्सअप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आपके पास एप्लीकेशंस है उन सभी को आप अपडेट कर लेना, ठीक है। अपडेट करना आप जानते हो कि आपको जाना होगा प्ले स्टोर में आप जाओगे, यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, आपको सीधे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे नीचे जाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है मैनेज ऐप्स एंड डिवाइस। इस पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा अपडेट अवेलेबल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे देख सकते हो मेरे सामने कितने सारे एप्लीकेशन हैं जिनका अपडेट आया है। आपको अपडेट और पे क्लिक करना है, आपको वाईफाई कनेक्ट कर लेना है या फिर आपको एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपडेट और पे क्लिक करोगे जितने भी आपके जो एप्लीकेशन है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कैंसिल कर देता हूँ।
इतना आप कर लोगे उसके बाद आपको फ़ोन को रिस्टार्ट करना होगा, आपको थोड़ी देर के लिए होल्ड टैप करना आप अपने स्विच ऑन ऑफ बटन को, आपको रिबूट कर लेना है, उसके बाद आपको करना है अपने फ़ोन के MIUI वर्जन को अपडेट। सेटिंग में जाना है, अबाउट इन्फो में जाना है, MIUI वर्जन पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ से आपको अपडेट कर लेना है। जितने भी परमिशंस आपसे मांग रहे हैं ना, उन सभी परमिशंस को आप अलाउ कर देना। अलाउ करने के बाद अपडेट करना, उसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी इशू नहीं आएगा। उसके बाद इजीली आपका जो कोई भी उसके बाद आप अपने MIUI वर्जन को अपडेट कीजिए, आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा और ना ही कोई इशू होगा आपको। सिंपली और इजी तरीके से आपका जो MIUI वर्जन है वो अपडेट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो गई होगी। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हो तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना।